हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डाट फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और का पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूट के जो भी कन्फर्म अपडेट इसका मूवी को कैसे और क्या पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मां सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गोदोस ने इसमें को पर आउट ऑफ़ की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी की लिटल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहां पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमेजन प्राइम विडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की टेलीविजन राइट्स को गोल बाइंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बाइन्स के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मां सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूवी की जो भी कन्फर्म अपडेट इस मूवी को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें रोल पे रजनीकांत निवेदिता थामास नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इस मी को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोट तो टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइड्स को एमेजन प्राइम ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमेजन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड के जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ट फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मुझके जो भी कन्फर्म अपडेट इसके मूवी को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्त सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुगोदोस ने इसमें को डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात कर तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी होगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी ड्राइविंग राइट थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्डमेंच के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वो पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोठी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डाट फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप आग भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास् सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के उसकी जो भी कन्फर्म अपडेट इस कला मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्त सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गोदोस ने इसमें को आई एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूव को यूटूब पर देख पाओगे वो और गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइड्स को एमेजन प्राइम ने किया है तो अगर आप इसमें को ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की टेलीविशन राइड्स को गोल बैंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो एक को एक लाइक करके चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूवी के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट कहा है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करते तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इस मी को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोट टी, -टी, टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी, -टी राइड्स को एमेजन प्राइम ने बाइक किया है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड की जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूवी को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हजार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गोदोस ने इसमें को आई एम डी फॉर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकांत सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई ओटीटी तो ती राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी को एमजोन प्राइम वीडियो ने बाई किया है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल बैंड के जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मुझके जो भी कन्फर्म अपडेट इस कला मूवी को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्ट सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लिटिल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जो से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी ड्राइविंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी के जो यूट्यूब चैनल है वो पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी राइट को अमेजोन प्राइम वीडियो ने पाई किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की टेलीविशन राइट्स को गोल्ड माइंड के जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड माइंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डाट फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूवी को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट कहा है ए आर मुर्गोदोस ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करते इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लिटल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूव में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइन के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल ऑफिल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें कोटी टी राइट्स को एमेजन प्राइम

मिल चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीड रोल पे राशिkant निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो, वो भी गोल्ड गोल के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को अमेजोन

देख चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोल ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें मूवी के लीडर पे राजनिकंत, निवेदिता थॉमस नयन सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम

चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीड रोल पे राशिkant निवेदित थामास नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टीट राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजन प्रेम वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डाट

मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोल्ड ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लीडर पे राजनिकंत, निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को अमेजोन प्राइम

मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोल ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें मूवी के लीडर पे राजनिकंत, निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूटूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके दे... अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल बैंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ट फैन

चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोली ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की रोल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूं दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोठी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने पाई किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल माइंड की जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल माइंड के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूव के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्त सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हजार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुगोदोस ने इस को पर 9, आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोली ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूटूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब तो पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजन ने तो अगर आप इसमें को देखना चाहते हो तो जाके आप इसमें तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार के बारे में देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ट फैन

चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस इस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस इसमें के लीड रोल पे राशिkant निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइंड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन

चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोली ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी को अमेजन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड के जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास् सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूवी को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हजार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो ने इसमें को पर आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ोगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई ओटीटी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइट्स को एमजन प्राइम वीडियो ने बाई किया है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो एमेजन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल माइंड के जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल माइंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मुझे जो भी कन्फर्म अपडेट इसके मूव को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूं दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी राइट्स को, राइट को एमजोन प्राइम वीडियो ने पाई किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमेजन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की टेलीविजन राइट्स को गोल बाइंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बाइन्स के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मां सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूव की जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और क्या पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इस मी को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोट टी तो राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइड्स को एमेजन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड तो बैंड की जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर तो अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूव को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हज़ार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर दोस्त ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की रोल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई राइट्स की बात करें तो इसमें राइट्स को एमेजोन प्राइम ने किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर, पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो तो। इसके अलावा तो इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को, को गोल्ड बैंड तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो आप अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूव की जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मां सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आएम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पर रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूं दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी, टी राइड्स को एमेजन प्राइम वीडियो ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को ओ टी, टी पर देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की टेलीविशन राइड्स को गोल बैंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टी वी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूवी के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट कहा है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इस मी को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल ऑफि यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोट टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइड्स को एमेजन प्राइम वीडियो ने बाइक किया है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड की जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप आग भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूवी को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हजार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो ने इसमें को आई एम डी आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 71 परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी होगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई ओटीटी तो ती राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी को एमजोन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो एमेजो प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल बैंड के टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मुझके जो भी कन्फर्म अपडेट इस कला मूवी को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्ट सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी होगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जो से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूं दरबार मूवी की जो भी हिंदी ड्राइविंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्डमेंट के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोठी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टाइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने पाई किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल माइंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल माइंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने दो शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूव के को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसको को कैसे और क्या पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोट तो टी राइड्स की बात करें तो इसमें को प्राइम ने किया है तो अगर आप इसमें को को पर पर देखना चाहते हो हो तो Prime Video जाके आप इसमें इसमें देख सकते इसके अलावा टेलीविजन राइट्स की बात करें तो करके टेलीविजन राइट्स को गोल के जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास् सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूवी को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास् सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हजार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो ने इसमें को पर आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोली चरने भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे पर तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लिटल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को अमेजोन

चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लिटिल पे राजनिकंत निवेदिता थामास नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर को हम इसमें में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बी किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइंड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम

तो वीडियो एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि में आपको को आप और, का आप आप देख और आप भी इस को हिंदी में देखना चाहते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के के जो भी को कैसे और देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें कोई ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीड रोल पे रसनीकांत निवेदिता थॉमस थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को एमेजन प्रेम वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते इस हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल बैंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने दोस्त शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ड

मिल चुकी है इसमें को 71% गोलिचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लीड रोल पे रसनीकांत निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इस मूव में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजन

मिल चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस इसमें के लीड रोल पे रसनीकांत निवेदिता थॉमस थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम वीडियो बाइक है तो अगर आप इसमें पर देखना चाहते हो तो आप इसमें टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर हिंदी में देख सकते हो तो आज की पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की

चुकी है इसमें को 71% गोलीज ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीडर पे रसिकंत निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइन टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटिटी राइट्स की बात करें तो इसमें कोटिटी राइट्स को एमेजन प्राइम

इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को एमेजन ने है। तो अगर आप को देखना चाहते हो तो जाके आप को देख सकते हो इसके अलावा टीवी पर तो देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंडी चैनल पर जाकर आप इसमें हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार के बारे में देखना चाहते हो रजनीकांत सर की फैन

चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस इसमें के लीड रोल पे राशिkant निवेदिता थामास नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइंड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन

तो वीडियो एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि में आपको को आप और का आप भी इस को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को कर लेना क्योंकि इस तरह के को जो भी को कैसे और कहां पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए को मास्त सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन इसमें को डायरेक्ट किया है इसमें आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी चुकी है इसमें को 71% कोलेजन ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीड रोल पे राशििकांत निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूटूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूव को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाके आप इसमें इस तो इसमें उनके पर देखना चाहते हो तो गोल के टी चैनल पर जाकर आप इसमें हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की हम बात करेंगे तो अगर आप भी दरबार को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ट

चुकी है इसमें गोली ने पसंद भी किया है इसमें की की बजट बात करें तो इसमें ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें पे रजनीकांत निवेदिता थामास नयन थारा सुनील सेट्टी होगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी ड्राइविंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई ओटीटी तो राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइट्स को एमेजन प्राइम वीडियो ने बाई किया है तो अगर आप इसमें ओ टी पर देखना चाहते हो तो एमेजन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को, को गोल माइंड के जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल माइंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की जो भी कन्फर्म अपडेट इसका मूव को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आएम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लिटिल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूं दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी राइट्स को एमजोन प्राइम वीडियो ने पाई किया है तो अगर आप इसमें को टी, टी पर देखना चाहते हो तो एमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड के जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बाइन्स के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मां सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूव की जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और क्या पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आएम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोट तो टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी राइड्स को एमेजन प्राइम वीडियो ने बाइक किया है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल बैंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूव को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हज़ार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर दोस्त ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की रोल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई तो राइट्स की बात करें तो इसमें राइट्स को, राइट को एमेजोन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमेजो प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो तो। इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को, राइट को गोल्ड बैंड तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ट फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के, के जो भी कन्फर्म अपडेट इसका मूवी को कैसे और क्या पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास् सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुगोदोस ने इसमें को डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन तारा सुनील शेट्टी होगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्डमेंच के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वो पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोठी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर, अगर, अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मां सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह तो के मूव के जो भी, भी कंफर्म अपडेट इस कला मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मां सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आ मुगोदोस्ट ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोली ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की रोल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें की के टेलीविजन तो राइट्स को जो चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ड

चूंकि इसमें को 71% गोलिच ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लीड रोल पे राशिकांत निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप यूस्क को यूट्यूब पर पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप यूसमी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर जाएगी। अर। अर। आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को, को देख लेना इसके अलावा इसमें को ओ टी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी टी राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने बाइक किया है तो अगर आप इसमें को टी ट पर देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें की टेलीविशन राइट्स की बात करें तो इसमें की टेलीविशन राइट्स को गोल्ड मैं जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड माइंड्स के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की मूवी तो आपको कैसी लगी थी दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की फैन हो तो आज की लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्ट सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह का के उसका के जो भी कन्फर्म अपडेट इस कला मूव को कैसे और क्या पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्ट सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन एक थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गोदोस ने इसमें को आई एम डी फॉर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इस के लीड रोल फेर रजनीकांत निवेदिता थामस मैन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड मैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन

चुकी है इसमें को 71% कोलेजन ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीड रोल पे राशििकांत निवेदिता थॉमस थारा, सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इस मी को हिंदी में यूटूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूव को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कॉटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें के तो टेलीविजन राइट्स को जो चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंक के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ड

चल चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस इसमें के लीड रोल पे राशिkant निवेदित थामास नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूव को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूटूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन

चुकी है इसमें को 71% कॉलेज ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लीड रोल पे राशििकांत निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊँगा इसमें आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइंड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम

वीडियो एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि में आपको को और आप भी इस को हिंदी में देखना चाहते हो तो लाइक करके चैनल को मास् सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के के जो भी को और उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें इसमें भी चूंकि इसमें को 71% गोलिचर्न ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीड रोल पे रसनीकांत निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहां पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा टेलीविशन की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को के जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने दो शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर तो आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डाट फैन

चुकी है इसमें को 71% गोलिचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस इस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लीड रोल पे रसिकंत निवेदिता थॉमस नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर को हम इस मूव में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें कोटी टी राइट्स को अमेजन ने तो अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो के आप इसमें इस तो गोल्ड बैंड टीवी आप इसमें तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार के बारे में देखना चाहते हो रजनीकांत सर की फैन

मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोल्ड ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें मूवी लीड रोल पे राजनिकंत, निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन

चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीडर पे राशिkant निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइन टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें कोटी टी राइट्स को एमेजन प्राइम

मिल चुकी है इसमें को 71% कोलेजन ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस इसमें के लीड रोल पे राशिकांत निवेदिता थॉमस नयनतारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इस मूव में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजन वीडियो ने है। तो अगर आप इसमें को पर देखना चाहते हो तो पर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें की टेली के तो इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो टेलीविजन राइट्स को गोल्ड जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ट फैन

चुकी है इसमें को 71% कॉलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इस इसमें के लीड रोल पे राशिkant निवेदिता थामास नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इसमें में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन

चुकी है इसमें को 71% गोलज ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को 250 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें इस के लीड रोल पे राशििकांत निवेदिता थॉमस थारा, सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को हम इस मूवी में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊँगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस मूव को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कॉटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन प्राइम वीडियो ने तो तो इस बाइक तो तो है, है तो अगर आप इसमें को पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाकर आप इसमें को को देख सकते हो इसके अलावा इसमें इसमें के टेलीविजन टेलीविजन राइट्स राइट्स की बात करें तो जो टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की तो क्योंकि बताएंगे और कहा देख पाओगे अगर आप देखना चाहते होकर तो सब्सक्राइब कर लेना किस तरह की उसकी पूरी जानकारी चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने जल्द से जाइए कर लीजिए दरबार साल दो हजार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की इसमें डायरेक्ट किया ए आर मुर्गोदोस ने इसमें भी मिली चुकी है इसमें को 71 वन परसेंट गोल ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन करोड़ की कलेक्शन की थी इस मूवी के लीडर पर रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूव में, में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूटूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड माइनस के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूटूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें कोटी टी राइट्स को एमेजन प्राइम

इसमें सेवेंटी वन परसेंट गोलेजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूं दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूटूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोटी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी को एमेजोन प्राइम वीडियो ने पाई किया है तो अगर आप इसमें को टी, टी पर देखना चाहते हो तो एमेजन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल माइंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल माइंड के टी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने दो शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मां सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूव की जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और क्या पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें के लीडर पे रजनीकांत निवेदिता नयन तारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड बैंक के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड बैंक के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोट टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओटीटी राइट्स राइड्स को, को एमेजन प्राइम ने बाई है तो अगर आप इसमें को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल बैंड की जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंक के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूवी को जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हज़ार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोली ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की रोल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयनथारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोर से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दू दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी गोल्ड मैं जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोई टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी टी राइड्स को अमेजोन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल्ड बैंड तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड्स के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मास्त सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मुझके जो भी कन्फर्म अपडेट इसके मूवी को कैसे और पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को मास् सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गोदोस ने इसमें को डी फॉर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात कर तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी होगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्डमेंच के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्डमेंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें कोठी टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी टी राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को, को गोल्ड बैंड तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की मूवी के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूव को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो दोस्त ने इसमें को आई एम डी पर फाइव पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोलीजर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लीडर पर रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इस मूवी में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रतिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड बैंस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इसमें यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड बैंक के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इसमें यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहां पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें ओ टी, टी राइड्स को एमेजन प्राइम वीडियो ने किया है तो अगर आप इसमें को टी टी पर देखना चाहते हो तो एमजॉन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें टेलीविजन राइट्स को गोल बैंड की जो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाके आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर अभी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डा फैन हो। तो, की देख हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को इन तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर देख पाओगे अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मां सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के मूव के जो भी कन्फर्म अपडेट इस इसका मूवी को कैसे और कहाँ पर देख पाओगे उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए और चैनल को माँ सब्सक्राइब कर लीजिए दरबार साल दो हज़ार बीस में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी इसमें को डायरेक्ट किया है ए आर मुर्गो ने इसमें फाइव पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसमें को 71 वन परसेंट गोलीचर ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात कर तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें की लिटल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रशिकांत सर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्स ने बाय किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीस यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को राइट्स की बात करें तो इसमें को राइट्स को अमेजन वीडियो ने है। तो अगर आप इसमें को पर देखना चाहते हो तो पर आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो टेलीविजन राइट्स को गोल्ड जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को पर देखना चाहते हो तो गोल्ड बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कॉमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी हेलो वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरबार मूवी के बारे में तो अगर आप भी दरबार मूवी को देखना चाहते हो रजनीकांत सर की डार्ट फैन

मिल चुकी है इसमें को सेवेंटी वन परसेंट गोल्ड ने पसंद भी किया है इसमें की बजट की बात करें तो इसमें को ढाई सौ करोड़ की बजट में बनाया गया था और इसमें बॉक्स ऑफिस पे तीन सौ करोड़ की कलेक्शन की थी इसमें मूवी लीड रोल पे रजनीकांत निवेदिता थॉमस नयन थारा सुनील शेट्टी ओगी बाबू इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को हम इसमें में देख पाएंगे इसमें आपको बेहतरीन एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी अगर आप रचिकंद सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो तो इसमें को जोड़ से जाकर एक बार वॉच करना और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे अभी बात करते हैं दरबार मूवी को आप कैसे और कहाँ पर हिंदी में देख पाओगे तो पहले बता दूँ दरबार मूवी की जो भी हिंदी डबिंग राइट्स थी उसे गोल्ड माइंड टेलीफिल्म ने बाई किया है तो अगर आप इसमें को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसमें को अभी आप यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देख पाओगे क्योंकि फिलहाल ये मूवी अभी गोल्ड माइंड की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन आगे चल के आप इस इसमें को यूट्यूब पर देख पाओगे वो भी गोल्ड बैंक के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा भी अगर आप इस इसमें को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी बहुत सारे जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी और आपको ये मूवी अनऑफिशियली किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना क्योंकि अनऑफिशियली जो भी मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है वो कभी भी रिमूव हो सकती है तो अगर आपको ये मूवी अनऑफिशियली मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लेना इसके अलावा इसमें को टी राइट्स की बात करें तो इसमें को टी राइट्स को अमेजोन वीडियो ने बाइक है तो अगर आप इसमें को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो पर जाके आप इसमें को देख सकते हो इसके अलावा इसमें टेलीविजन राइट्स की बात करें तो इसमें कि टेलीविशन राइट्स को गोल बैंड की जो तो टीवी चैनल है उनके पास है तो अगर आप इसमें को टीवी पर देखना चाहते हो तो गोल बैंड के टीवी चैनल पर जाकर आप इसमें को हिंदी में देख सकते हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने साथ शेयर करना मूवी को देखने के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी थी